वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, तुसीं वेख रहे हो कथा गुरबाणी विचार। सब तो पहला जेकर तुसीं चैनल ते नवे आए हो तां कृपा करके चैनल नूं सबसक्राइब कर लवो अते नाल ही बैल आइकन दबा लवो ताकि हर एक वीडियो की अपडेट तुहाडे तक पहुँच सके। अते नाल ही जेकर तुहानूं इह वीडियो पसंद आई तां इस नूं लाइक अते शेयर जरूर करियो। प्यारी साध संगत जी, मन दे टिकाओ लई नाम जपना बहुत जरूरी है। नाम रब दे देश जान वाली एक गड्डी है, पौड़ी है जां रब दा बूहा खोलन वाली चाबी है। ये सारा कुछ सच है। बंदगी नाम तो शुरू हुंदी है ते नाम दे आसरे ही संपूर्ण हुंदी है। जिवें गुरु जी ने समझाया है, पुन दान जप तप जेते सब उपर नाम, हर हर रसना जो जपै तिस पूरन काम। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच नाम नूं कई अर्थां विच वरत्या गया। नाम दा मतलब सिमरन भी है ते सिमरन तो पैदा होया हालतां वास्ते भी नाम ही वरत्या गया। नाम दे अर्थ साधन भी, सिद्धि भी ते प्राप्ति भी मन्ने गए ने। जिस तरह किसी आलीशान महल नूं वेख के भी आख देईदा कि वेखो रुपए का किन्ना प्रताप है, इस तरह नाम तो प्राप्त होईयां हालतां वास्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच लफ्ज नाम ही वरत्या गया। नाम जपण वास्ते थां भावें नाम हर थां ते जां हर समय जपिया जा सकदा है, पर शुरू शुरू विच कुछ उचेच दी लोड़ है। नाम किसी एकांत थां विच जिथे दुनिया का रौला गोला ना होवे बिरती शांत करके जपना चाहिए। कुदरती नज़ारे, पानी के किनारे जां फुलां दे बगीचे नूं वेख के मन नाम जपन वाली हालत विच आपे आ जांदा है। इहो जिहियां थावां ते नाम जपना बहुत फलदायक है। जे ऐसा ना हो सके फिर अपने घर के अंदर किसी खाली थां ते बैठ के शांत माहौल विच जपिया जा सकदा है। जदों नाम जपन की इच्छा जागे तां एक खास नियत समय ते उस कमरे विच बैठ के सिमरन करना चाहिए। जदों थोड़ा समा नाम जपदिया हो जावे तां तुसीं खुद वेखोगे कि उस थां ते एक दिल खिचवी ताकत आ जाएगी। फिर उस कमरे विच वरदियां सार ही मन नूं शांति मिल जाएगी। इस कमरे विच पूजा पाठ सिमरन बंदगी जां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे प्रकाश तो बिना होर कुछ नहीं होना चाहिए। वड्डी तो वड्डी परेशानी इस कमरे विच वरदियां सारी ही खत्म हो जाएगी। इस कमरे विच अगरबत्ती जां किसी होर सुगंधी वाली चीज जां फुल्लां दा रखना बड़ा लाभदायक हुंदा है। सिमरन दा अभ्यास पूरा होण मगरों थां दी कोई कैद नहीं रहिंदी। जिथे जी करे कर लवो, जिथे भी होवो सिमरन दा आनंद माण सकदे हो तुसीं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।